अरे 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 मेरा नन्ना बच्चा, बेटा थोड़ा सा तुम बड़े हो जाओ फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। अरे भाई तुम कहाँ रह गई थी? देखो ना नए मेहमान से मिलो, कितना हंसमुख है, हंस रहा है देखो। आप तो इसे देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ये मुराद की अपनी औलाद। ये तो तुम नाहक बोल रही हो, ये माँ का गुस्सा बच्चे पे क्यों निकाल रही हो? मैं मानता हूं तुम्हें ये बात नापसंद थी, लेकिन आज जब तुम्हें पता लगा कि साध उस लड़की को पसंद करने लगा है तो तुम्हारी नापसंदीदगी नफरत में बदल गई है। अरे देखो मैं मानता हूं कि तुम्हारा गुस्सा भजा है, लेकिन तुम गुस्सा गलत जगह निकाल रही हो। ये तो नन्ना फरिश्ता है, इसे क्या पता कि कौन सका है कौन सुतैला। अरे मैं तो इसे अनीशा और मुराद की औलाद ही मानूंगा, तुम तस्लीम करो या ना करो। वो मफाद परस्त लड़की इस बच्चे का हर जाना हमसे वसूल करना चाहती है। बेगर्ज उसने ये काम नहीं किया है और इसी से साथ इम्प्रेस हुआ है। साथ जवान है, खुद मुख्तार है, हम उसे अपना फैसला तो बता सकते हैं लेकिन अपना फैसला मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम अपने अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा करो, सख्ती में बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। मोहब्बत की जबान तो वो सिर्फ उस लड़की की सुन रहा है, हमारी बात तो वो ऐसी अनसुनी कर रहा है जैसे हम उसके दुश्मन हो। अरे मैं साथ को जानता हूँ, वो हमारी मर्जी के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा जिससे मुझे या तुम्हें तकलीफ पहुंचे। बस रहने दे मोनिस, बहुत कुछ देख भी रही हूँ और बहुत कुछ सुन भी रही हूँ।